तो क्या हाल है दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कीवे की तरफ से रिसेंटली लॉन्च्ड SR125 के 5 एडवांटेज के बारे में। तो बने रही इस वीडियो में, और इस बाइक को लेने की सोच रहे हैं या फिर लेने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप बाइक लेते हैं तो आपको कौन से 5 एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में, और मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं SK मोटर यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो में और बताते हैं आपको 5 फायदे यानी एडवांटेज। तो अगर सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात की जाए तो पहला एडवांटेज इसका हो जाता है लुक्स। लुक यार वाकई में काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी कीवर ने लुक की तरफ ध्यान दिया है। इसका लुक काफ़ी स्क्रैम्बलर देखने को मिल जाता है। आप इसका लुक देख सकते हैं, चारों तरफ से काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। फ्रंट या लुक देखें या फिर साइड लुक देखें या फिर बैक लुक देखें, दोनों तरफ से चारों तरफ से आपका लुक देखें तो काफ़ी बेहतरीन इसका लुक देखने को मिल जाता है, जो हो जाता है इसका पहला एडवांटेज। बात करते हैं इसके दूसरे एडवांटेज यानी दूसरे फायदे के बारे में, जो हो जाता है इसका ब्रेकिंग। ब्रेकिंग भी 125 के हिसाब से काफ़ी लाजवाब दिया गया है। ब्रेकिंग अगर देखा जाए तो ब्रेक इसमें आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी एक बड़ा आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करता है। और हालांकि 125 cc में 240-270 mm का आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है फ्रंट टायर में, लेकिन इसमें आपको 300 mm का चलते ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस है काफ़ी बेहतरीन आपको हो जाता है। बात करते हैं इसके रियर ब्रेक के बारे में, तो रियर ब्रेक में भी आपको 210 mm का ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्क ब्रेक है। तो ब्रेकिंग वाइज देखा जाए तो काफ़ी 10/10 है ब्रेकिंग हो जाता है इसका दूसरा एडवांटेज। करते हैं तीसरे एडवांटेज की, तो तीसरा एडवांटेज हो जाता है इसके टायर। टायर वाली भी कंपनी ने काफ़ी सेगमेंट में फर्स्ट सेगमेंट में आपको दिया है, क्योंकि टायर इसका काफ़ी ज़्यादा वाइडर है और इसका टायर है 125 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपको चौड़े और काफ़ी ब्रॉड टायर देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो टायर है, आप इसका टायर भी काफ़ी आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसके टायर फिगर के बारे में, तो इसके फ्रंट टायर में आपको 110/70 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वाइडर टायर हो जाते हैं अगर 125 के हिसाब से देखा जाए तो। वही बात करते हैं इसके रियर टायर के बारे में, तो रियर टायर भी आपको 130/70 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन है। टायर वाइज देखा जाए तो टायर वाइज काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने ध्यान दिया है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज़ में कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन ध्यान दिया है। हालांकि तो ये कहने की 125 cc की बाइक है, लेकिन ओवरऑल फीचर वाइज देखा जाए तो आपको 150-200 cc के हिसाब से फीचर और टायर यानी ब्रेक सब आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये हो जाता है इसका तीसरा एडवांटेज। बात करते हैं इसके चौथे एडवांटेज यानी चौथे फायदे के बारे में, जो हो जाता है इसका फीचर। तो फीचर वाइज में कंपनी में काफ़ी बेहतरीन ध्यान दिया है, जैसे कि इसमें वो फुल LED सेटअप देखने को मिल जाता है, यानी फुल LED हेडलाइट, LED DRL, LED इंडिकेटर, LED टेल लैम्प। ओवरऑल देखा जाए तो फिर LED का पूरा काम किया गया है। उसमें आपको फीचर में भी काफ़ी स्पीडोमीटर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी बेहतरीन आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो हो जाता है इसका चौथा एडवांटेज। बात करते हैं इसके पांचवे और आखिरी एडवांटेज के बारे में, जो हो जाता है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यार काफ़ी वाकई काफ़ी बड़ा दिया गया, इसका 14.5 लीटर का काफ़ी ह्यूज फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है, जिसके चलते इसका जो रेंज है काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। हालांकि ये कहने की 125 cc की बाइक है, लेकिन उसका अगर देखा जाए अगर ओवरऑल रेंज, तो अगर आप एक बार फ्यूल टैंक करा लेते इसमें तो आपको 700 से लेकर 750-800 किलोमीटर का ये रेंज आपको प्रोवाइड कर देगा। जो एक बार फ्यूल टैंक कराने के बाद आपको 15-20 दिन यानी रनिंग ज़्यादा भी है तो आपको 15-20 दिन आपको आसानी से आपको एक बार फ्यूल टैंक में आपको चला देगी, जो हो जाता है इसका पांचवा और आखिरी एडवांटेज। 5 एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिए गए इसमें, जैसे कि लुक्स हो गए, दूसरा हो गया इसका ब्रेक, ब्रेक भी काफ़ी बेहतरीन है, टायर्स हो गए काफ़ी चौड़े और काफ़ी आपको जो इसका ग्रिप वाला है काफ़ी आपको बेहतरीन टायर दिए गए हैं, और अगर आप इसको ऑफ रोडिंग करते हैं तो ऑफ रोडिंग और ऑन रोड दोनों आपका इसका टायर से यूज कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज फीचर में भी काफ़ी बेहतरीन है, फीचर में भी कोई कमी नहीं है, और लास्ट फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी काफ़ी बेहतरीन दिए गए हैं। तो गाइस यही थे 5 एडवांटेज जो मैंने आपको कीवे SR125 की बताए। तो गाइस यही थे 5 एडवांटेज जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आशा करता हूँ आपको ये 5 एडवांटेज अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। इसके लिए स्टे ट्यून्ड, राइड हार्ड, राइड सेफ।